H2SO4 के गुणों को जब हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ कारण हैं। H2SO4 की वाष्पशीलता बहुत कम होती है, ये प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल की तरह कार्य करते हैं, जल के प्रति इसकी बंधुता बहुत अधिक होती है और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अम्लीय गुण को। तो अम्लीय गुण जो है वो जब जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं और प्रबल अम्ल की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो Ka का मान है वो बहुत अधिक आता है, प्रथम जब हाइड्रोनियम आयन बनता है तो H2SO4 H2O से रिएक्ट होता है, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4-, Ka का मान यहाँ पे 10 से भी ज़्यादा है। दूसरा, जब HSO4 जल से क्रिया करता है तो H3O+ प्लस SO4-2- बनता है और K2 का मान 1.2×10⁻²। तो प्रथम पद में हम देख रहे हैं कि K का मान जो है वो ज़्यादा है और द्वितीय पद में K का मान कम है। तो प्रथम पद में HSO4 भी बनता है और साथ ही साथ H3O+ भी बनता है, तो ये एक प्रबल अम्ल की तरह कार्य करते हैं। H2SO4 विभिन्न प्रकार के लवण बनाता है। तो इसके जो लवण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सल्फेट लवण और बाईसल्फेट लवण। क्षार जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 की क्रिया। तो H2SO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू NaHSO4। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट प्लस H2O। दूसरा हम देखेंगे H2SO4 के साथ NaOH की ही क्रिया, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि NaOH के साथ जब अम्ल की क्रिया होती है तो सोडियम सल्फेट बना है, तो Na2SO4 प्लस 2H2O। तो दोनों ही अभिक्रियाओं में हम बाईसल्फेट लवण का बनना और सल्फेट लवण का बनना देख रहे हैं। इसकी निम्न वाष्पशीलता के कारण ये कई प्रकार के और भी लवण बना पाते हैं। इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये आपस में संगुणित रहते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है कि कॉमन जो रिएक्शन होगा कि ये किस प्रकार लवण से क्रिया कर सकते हैं, तो 2MX प्लस H2SO4 इज इक्वल टू 2HX प्लस M2SO4, तो सल्फेट लवण बनता है। CaF2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस 2HF। अगला है NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस HCl। तो दोनों यहाँ पर सल्फेट और बाईसल्फेट लवण बना, लेकिन H2SO4 की क्रिया यहाँ पर लवण से कराई जा रही है तो भी सल्फेट लवण और बाईसल्फेट लवण बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक बहुत अच्छा निर्जली कारक भी होता है। विभिन्न प्रकार के जो नमी युक्त गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, तो इनके साथ जब ये रिएक्ट होते हैं तो इसमें से नमी को ये निकाल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों से ये जल का निष्कासन कर सकते हैं, जैसे शक्कर का जलना। तो यहाँ पर यदि सुक्रोज पर H2SO4 डाला जाता है तो सुक्रोज को ये कार्बन में परिवर्तित करते हैं। तो C12 H22O11 H2SO4 जब इसमें डाला जाएगा तो ये 12C प्लस 11H2O, तो इसमें जल के 11 अणुओं का निष्कासन होता है और पूरा का पूरा जो शुगर है वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 कार्बन भी बना है। H2SO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक भी होता है। H2SO4 जब कार्बन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और चूंकि इसमें H2SO4 में SO2 भी बनेगा और H2O भी बनता है, तो कुछ कॉमन जो यौगिक है वो सभी प्रकार के ऑक्सीडेशन वाले जो रिएक्शन है उसमें बनेंगे ही। सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर के साथ रिएक्शन। कॉपर प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू कॉपर को ये कॉपर सल्फेट में परिवर्तित करते हैं, तो कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O, तो SO2 बनेगा ही क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो SO2 निकलेगा। अगला है सल्फर के साथ रिएक्शन। तो सल्फर प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 3SO2। कार्बन प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। तो इस प्रकार कार्बन, सल्फर और कॉपर को ये ऑक्सीकृत करके विभिन्न प्रकार के लवण और यौगिक बनाते हैं। H2SO4 के उपयोग।
H2SO4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रयोगशाला अभिकर्मक है और कई प्रकार के उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उर्वरक बनाने में H2SO4 का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे सुपर फॉस्फेट या जो अमोनियम सल्फेट है, इस प्रकार के उर्वरक को बनाने में H2SO4 का उपयोग होता है। ये एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं यानी निर्जलीकारक होते हैं। इसी प्रकार बहुत ही मुख्य एक केमिकल है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वर्णकों में, रंजकों में या पेंट बनाने में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटॉल्विन जो विस्फोटक पदार्थ है, इसको बनाने में भी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 पेट्रोलियम के शोधन में भी प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का उपयोग विभिन्न प्रकार के धातुकर्मी प्रोसेस जो होते हैं या पिकलिंग ऑफ मेटल्स, इसमें भी किया जाता है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, यौगिक हैं, उनका ऑक्सीकरण ये कर सकते हैं और एक प्रमुख प्रयोगशाला अभिकर्मक होता है। अगला प्रश्न है, जल में H2SO4 के लिए Ka2 का मान Ka1 के मान से कम होता है, क्यों? जल में H2SO4 जब घुलता है तो यह यहाँ पर H3O+ आयन बनाता है, तो H2SO4 एक प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि जब ये आयनित होते हैं तो हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ तथा बाइसल्फेट आयन HSO4- आयन बनाता है। HSO4- से H3O+ बनने की आयनन का मान कम होता है, अतः Ka2 का मान Ka1 के मान से कम होता है। H2SO4+H2O=H3O+HSO4-, तो यहाँ Ka का मान 10 से भी ज्यादा है, जबकि बाइसल्फेट का जब हाइड्रोलिसिस होगा, बाइसल्फेट जब आयोनाइज होता है तो वह भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है और सल्फेट आयन बनाता है। यहाँ पर Ka2 का मान कम प्राप्त होता है, 1.2×10⁻²। H2S अम्ली है जबकि H2O उदासीन है। H2S में सल्फर हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा दुर्बल है, क्योंकि सल्फर का आकार ऑक्सीजन परमाणु की अपेक्षा बड़ा होता है। H2S सरलता से वियोजित होकर H+ आयन दे सकते हैं। डाइऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस होता है। यहाँ पर भी हम उसी तरह का प्रश्न देख रहे हैं जैसे नाइट्रोजन द्विपरमाणु कणों के रूप में होता है, फॉस्फोरस P4 के रूप में होता है, उसी तरह से आंसर यहाँ लिखना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्टेट या अवस्था को पूछा गया है तो थोड़ा सा हम आंसर को चेंज करेंगे। ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच और सल्फर सल्फर के बीच, जो अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध सल्फर सल्फर आबंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। ऑक्सीजन की ऋण विद्युता बहुत अधिक होती है, पी पाई बहुबंध बनाते हैं, आकार अत्यंत छोटा होता है, अतः यह द्विपरमाणु कणों के रूप में पाए जाते हैं और आपस में दुर्बल वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर गैस रूप में होता है, जबकि सल्फर में पी पाई बहुबंध बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसका आकार ऑक्सीजन की तुलना में बड़ा होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, तो सल्फर सल्फर के बीच एकल आबंध बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। सल्फर में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और यह बहुपरमाणु अणु के रूप में अर्थात S8 के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि ऑक्सीजन से O- तथा ऑक्सीजन से 2- बनता है और इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पता हो, जो कि क्रमशः 141 तथा 702 किलो जूल पर मोल है, तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि O2- वाले ऑक्साइड अधिक बनते हैं न कि O- वाले? O से O- एवं O से O2- के लिए
छह इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान होता है 141 और 702 किलो जूल पर मोल। यह बहुत से ऑक्साइड O2- आयन रखते हैं, न कि O- आयन, क्योंकि कुल एंथैल्पी का मान यहाँ ऋणात्मक होता है।